नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। वेल, लास्ट वीक हमने मुहूर्त पिक दिया था, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा वीडियो तो रेमंड हमने दिया था। रेमंड के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला है और अच्छा प्रॉफिट हफ्ते भर के अंदर देखने को मिला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी मार्केट्स के अंदर लास्ट एक दो हफ्ते के अंदर हमने थोड़ा सा करेक्शन और थोड़ा सा साइडवेज मूव देखा है। तो फिलहाल जो रेंज है निफ्टी का वो 17,600-17,500 नीचे में है। व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टेंस ऑन हायर साइड, द रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड एट अराउंड 18,000 and 18,200 लेवल्स। यानी ये रेंज ब्रेकआउट जब आएगा तो उसके बाद 600 से 800 पॉइंट का मूव हमें निफ्टी में जल्दी देखने को मिलेगा। 17,500-17,600 का सपोर्ट नीचे में टूटना नहीं चाहिए। 18,000-18,200 का ऊपर में रेजिस्टेंस है। जैसे ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होंगे, टू बी वेरी प्रिसाइज 18,200, तो उसके बाद हमें एक अच्छा मूव निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसमें 18,500 से लेके 18,800 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में ही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये साइडवेज मूव ट्रेड कर रहा है। इस साइडवेज मूव के अंदर सडन जब सेलिंग आती है तो वहाँ पे आप बाइंग करें, यानी सपोर्ट्स के आसपास बाइंग करें, और जब रेजिस्टेंस टूटता है तब उसके आसपास सेलिंग करें। यही मूव हमें लास्ट 5 से 7 दिनों में निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। यानी हायर लेवल्स पे जब एकदम सडन ब्रेकआउट आता है उसके बाद ऐसा लगता है तेजी हो जाएगी, बट होता नहीं है, और सडन करेक्शन आ जाती है। और जब सडन करेक्शन आता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ से और गिरेगा, तो गिरता नहीं है और वहाँ से रिबाउंड ले लेता है। यानी कहने का मतलब कॉन्ट्रा कॉल लेने का समय है। यहाँ से अभी आज जो 100-150 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है निफ्टी में, लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। 18,000 का लेवल टूटने पे 18,100 से 18,200 तक का मूव देखने को मिलेगा, और 18,200 का लेवल्स टूटने पे कंफर्मेशन आ जाएगा ब्रेकआउट का, और फिर 18,500 से 18,800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ये तो था निफ्टी में वेरी प्रिसाइज व्यू। नाउ व्हेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी, 39,000 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से निफ्टी के अंदर हमने करेक्शन और साइडवेज मूव देखा है, उसी तरह से बैंक निफ्टी भी पिछले 10-11 दिनों में हमें करेक्टिव मोड में ही देखने को मिला है, और ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिला है। बैंक निफ्टी का जो नीचे में अभी इमीडिएट सपोर्ट है 38,500 के पास है। 38,500 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर और नीचे के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल्स नीचे में ब्रेक नहीं होते हैं तो पोजिशंस होल्ड करके चलना चाहिए। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 39,300 के आसपास है। 39,300 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो हमें 40,000 प्लस के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ही बड़ा मूव आएगा। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं आता तब तक इसके अंदर भी थोड़ा सा साइडवेज मूव ही देखने को मिलेगा। डिप्स में खरीदारी करके चलना ही सही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो रिलायंस में एक करेक्शन के बाद लास्ट 2 दिनों में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। रिलायंस मेरे को लगता है आने वाले दिनों में यहाँ से परफॉर्मेंस दिखा सकता है और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 2500 के आसपास रिलायंस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2600 से 2700 का ऊपर में टारगेट होगा। 2450 का नीचे में 2440-2450 का नीचे में सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरा स्टॉक एलएनटी चार्ट्स के ऊपर मजबूत है, 1950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2000 प्लस के लेवल जल्दी ही एलएनटी में ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। नीचे में जो सपोर्ट है 1900-1910 के आसपास है, तो जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता तब तक पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 2000 का पहला टारगेट है। 2000 का लेवल टूटने के बाद 2150 तक का मूव आने वाले दिनों में एलएनटी में देखने को मिल सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर मेरे को अभी भी मजबूत लगता है। सेंचुरी टेक्सटाइल, अरविंद फैशन, रेमंड, इन सब स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर में अभी भी देखने को मिलेगा। कोई भी डिप आता है तो इन स्टॉक्स में खरीदारी करें, और आने वाले समय में इनके अंदर 10-15% का मूव इमीडिएटली ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। तो आई थिंक आज की वीडियो में एकदम डिटेल में बात हो गया। लास्ट वीक का अपडेट दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी का बात हुआ, स्टॉक स्पेसिफिक बात हुआ, और सेक्टर स्पेसिफिक बात हुआ। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।